इतिहास की पुस्तक में जाकर हम हिंदुस्तान की इंसानी तारीख 361 साल पहले के अध्याय को अगर देखें तो भारतीय राज्य महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद में सुंदर पर्वतमाला के सामने मुगल संतलत की छठी पीढ़ी के बादशाह औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे आजम शाह ने 1651 ईस्वी में अपनी माँ रबिया उल दुरानी उर्फ दिलरास बानु बेगम के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में बीबी के मकबरे की नींव रखी और मात्र 10 साल की अवधि में यानी 1661 में एक ऐसी इमारत का निर्माण किया जिसे आज दक्षिणी ताज या डेक्कन के ताज के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह औरंगजेब के पिता शाहजहान ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल को अपने जीते जी प्यार का एक बेमिसाल नजराना ताज महल उसकी कब्र पर बनवा कर दिया, उसी प्रकार औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ रबिया दुरानी को ये मकबरा जो आज बीबी का मकबरा यानी टूम ऑफ द लेडी के नाम से जाना जाता है बनवा कर दिया। कहते हैं इसे बनवाने में बेटे आजम शाह ने अपनी अम्मी जान के गहनों से मिले 7 लाख रुपए खर्च किए थे, इसीलिए ये स्मारक आज गरीब आदमी का ताज भी कहलाया जाता है। ये थी एक बेटे की अपने माँ के प्रति श्रद्धांजलि की कीमत। जबकि एक प्रेमी और एक पति शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम के प्यार भरे नजराने के रूप में लागत की कोई परवाह न कर शाही खजाने से उन दिनों 32 लाख रुपए खर्च कर ताजमहल को 21 साल की अवधि में बनवाया था। ये मकबरा मिसाल है माँ और पत्नी के बीच क्रियात्मक फर्क का, जो आज के लम्हों में भी देखा जाता है। औरंगजेब के बेटे आजम शाह को इस मकबरे की प्रेरणा आगरे के प्रसिद्ध ताजमहल जो 1631 और 1648 ईस्वी के बीच निर्मित हुआ था से मिली थी, परंतु वास्तुकला और संरचना के साथ पूंजी और दृढ़ निश्चितता के अनुपात में गिरावट के कारण बेटे से ताजमहल की प्रतिलिपि न बन पाई। मकबरे में हम आम दरवाजे से होकर अंदर जाते हैं। आम दरवाजे की भीतरी दीवारों पर चित्रांकित है उत्कृष्ट पत्ते की बनावट जो इस्लामी और हिंदू कला का मिश्रण है। बाहरी दीवार पर भी उत्कृष्ट पत्ते की बनावट देखने को मिलती है। अंदर जाने पर हमें मुगलिय शैली की बनावट का अनुभव होने लगता है। मुगलिय शैली की वास्तुकला में पानी और सुंदर बगानों की अहम भूमिका रही है। ये है लंबे कोण का तालाब जिसमें है अनेकों भव्य फव्वारे। मुख्य मकबरा लाल पत्थर से बने रास्ते से जुड़ा हुआ है और जालीदार पर्दे के रूप में रास्ते के दोनों ओर मुख्य प्रवेश द्वार से आम इमारत तक है 6 फुट की ऊंची दीवार जो ताजमहल में नहीं पाई जाती। इन दो दीवार और रास्तों के दोनों किनारों के बीच लंबे कोण के घासदार बगीचे में लगे हुए हैं सुरू के पेड़। ये मकबरा एक विशाल केंद्र में खड़ा हुआ है। सामने है ठेठ पर्शियन चारबाग बनावट की संरचना जिससे बीबी के मकबरे की उत्कृष्ट सुंदरता और महिमा बढ़ जाती है। मकबरा एक उच्च वर्ग मंच पर अपने कोनों में चार मीनारों के साथ ताजमहल की तरह खड़ा है। मकबरे की आम इमारत के पश्चिम में हैदराबाद के निजाम द्वारा बाद में बनवाई गई एक मस्जिद है जिसमें आज विवादों और सुरक्षा के चलते नमाज अदा नहीं की जाती। मीनार की तकलीम सफेद प्लास्टर से की गई है। सिर्फ ऊपरी गुंबद पर सफेद पत्थर लगे हुए हैं। खास मकबरे की इमारत की दीवार पर 8 से 9 फीट की ऊंचाई तक राजस्थान से मंगवाए गए कम गुणवत्ता संगमरमर और बाकी दीवार की तकलीम सफेद प्लास्टर से की गई है। हमें सफेद प्लास्टर का लाजवाब फूलों और फूलों के गुलदस्तों के नक्काशीदा तराशने का काम देखने को मिलता है। सामने है अष्टकोणीय सफेद संगमरमर की जाली जो न्याधार चारों ओर कब्र कक्ष के अंदर रोशनी आने के लिए लगवाई गई थी। खास इमारत के बीचों बीच है औरंगजेब की बेगम रबिया उल दुरानी उर्फ दिलरास बानु बेगम की कब्र जिसे हम पर्यटक कक्ष के अंदर आने के बाद ऊपर से देख सकते हैं और इसे देख जहन में सिर्फ एक ही एहसास होता है कि ये जो दिखने में साधारण से चादर ओढ़े नीचे दफन है कभी रहे मुगली सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब की बेगम थी।